सिवान के युवा लड़कियों में दिखी कोरोना वैक्सीन लेने की जोश, और वैक्सीन लेने के बाद लोगों को किया जागरूक, साथ ही साथ दिखी उत्साहित। आपको बता दें कि सिवान के दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज में लड़कियों ने वैक्सीन लेने के बाद काफ़ी जोश में दिखी और लोगों को उत्साहित करते हुए और इस क्षण को एंजॉय करते हुए फोटो क्लिक कर लोगों से जागरूकता फैलाने की बात कही और सभी को अपनी पारी आने पर वैक्सीन लेने के लिए आग्रह भी किया। सिवान के भाकपा माले कार्यालय पर आज काला दिवस मनाया गया। कृषि कानूनों को वापस लेने को लेकर यह अभियान 6 महीने से चल रहा है, जिसको लेकर आज काला दिवस के रूप में 26 मई 2021 को काला दिवस मनाया गया। इस मौके पर तमाम भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने तख्ती लेकर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार द्वारा कृषि कानून को वापस लेने की मांग की। आज काला दिवस मना रहे हैं, किस रूप में? छब्बीस मई किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, इस आंदोलन के दरमियान मौत हुआ, किसान लोग संघर्षरत है, कृषि बिल वापस, इसलिए हमारी पार्टी भाकपा माले के साथ साथ किसान महासभा है देशव्यापी मनाया जा रहा है और हमारी बल्कि देश की सिवान में यूनिटी क्लब के सदस्यों के द्वारा आपसी सहयोग से सिवान स्टेशन पर भूखे लोगों के बीच भोजन का वितरण किया जा रहा है। आपको बता दें कि सिवान यूनिटी क्लब के सहयोग से पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सोशल डिस्टेंसिंग के साथ किया जा रहा है भोजन का वितरण, ताकि कोई भूखे ना सोए। लॉकडाउन में रोजी रोजगार के लगातार परेशानी हो रही है और रिक्शे चालक से लेकर छोटे छोटे बच्चे जो खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं, उन्हें भोजन नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में यूनिटी क्लब के युवाओं ने एक बीड़ा उठाया है और बच्चों के बीच भोजन उपलब्ध कराकर उन्हें दोनों समय भोजन करा रहा है। यूनिटी क्लब के द्वारा प्रतिदिन सिवान जंक्शन पर जरूरतमंदों को भोजन कराया जा रहा है और ये हम लोग का कार्यक्रम जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक हम लोग का यह कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा। पूरी सुरक्षा के साथ पीपी किट पहन के सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए सारा कार्य किया जा रहा है और आगे भी ये कार्यक्रम लॉकडाउन जब तक खत्म नहीं होता तब तक जारी रहेगा। इसके साथ साथ जरूरतमंद परिवारों को हम लोग भोजन उपलब्ध करा रहे हैं और जो मरीज हो रहे हैं उनको हम लोग ऑक्सीजन उपलब्ध करा रहे हैं और गरीब परिवार में जो मरीज हो रहे हैं उनको हम लोग अपने तरफ से ऑक्सीजन रिफिलिंग करा के बिना पैसे के हम लोग अपने पास से लगा के उनको दे रहे हैं। सिवान के डायट स्थित कोविड डेडिकेटेड अस्पताल में मरीजों के परिजनों को लगातार 10वें दिन समाजसेवी संस्थाओं के सदस्यों ने कराया भोजन। आपको बता दें कि सिवान में आपदा सहायता ग्रुप के द्वारा लगातार सुबह शाम लगभग 200 मरीज के परिजनों को भोजन कराया जा रहा है। आज इसी क्रम में सिवान के डायट में स्थित डेडिकेटेड कोविड अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों को भोजन और पानी की व्यवस्था कराई गई। सिवान जिला प्रशासन के पहल पर आज से वैक्सीनेशन वैन प्रखंडों में किया गया रवाना। सिवान के DDC, ADM और CS ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाई। आपको बता दें कि सिवान के समाहरणालय परिसर से आज वैक्सीनेशन की 2 वैन सिवान के प्रखंडों में रवाना की गई है, जिसमें प्रत्येक दिन 200 वैक्सीन लोगों को दिए जाएंगे और ये वैक्सीन देने के लिए 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को निर्धारित किया गया है। ये प्रत्येक दिन सिवान से रवाना होंगे और अलग अलग प्रखंडों में जाकर 200 लोगों को जो 45 वर्ष से ऊपर हैं उन्हें वैक्सीन प्रदान करेंगे, जिसकी शुरुआत आज से की गई है, जिसमें सिवान के DDC, ADM और सिवान के सिविल सर्जन मौजूद हैं, जिन लोगों ने हरी झंडी दिखाकर वैन को रवाना किया।
राष्ट्रीय का एक्सप्रेस का हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन किया गया, क्या कुछ है इसमें खास? ये ग्रामीण अंचलों में और पंचायत वार टीकाकरण का सरकार के निर्देश के अनुक्रम में शुरू करा गया कार्यक्रम है। तो ये टीका एक्सप्रेस हर पंचायत में जाएगी और हर पंचायत में 3 चिन्हित केंद्रों पे निश्चित रूप से उनको जाना है। 45 वर्ष से ऊपर वाले लोगों को घर के निकटतम जगह पे टीका मिल जाए, इसीलिए इसका शुरुआत किया गया। कितने वहाँ सर चलेंगे सर? 19 प्रखंड सभी प्रखंडों में एक एक वाहन चलेगा। एक वैन में कितने डॉक्टरों की टीम रहेगी जो वैक्सीनेशन का कार्य करेगी? 2 नर्स रहेंगे, 1 डॉक्टर रहेंगे, 1 डेटा ऑपरेटर रहेगा। प्रतिदिन कितने एक वैन से कितने लोगों का टीकाकरण किया जाएगा? 200। सिवान सदर अस्पताल में 6 एम्बुलेंस पड़े हुए हैं, लेकिन ड्राइवर के अभाव में नहीं चल रहे हैं एम्बुलेंस। आपको बता दें कि सिवान सदर अस्पताल में सिवान के माननीयों के द्वारा यानी विधायक और MLC के द्वारा दिए गए 6 एम्बुलेंस यूं ही पड़े हुए हैं। ड्राइवर और टेक्नीशियन के अभाव में इस एम्बुलेंस का उपयोग नहीं हो रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले में सिविल सर्जन ने कहा है कि जल्द ही चलाए जाएंगे। बासुपाली गांव में 4th शादी रुकवाने गई पुलिस और अधिकारी पर हुए पथराव, एक पुलिस वाला और एक पदाधिकारी हुए घायल। आपको बता दें कि सिवान के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बासुपाली गांव में देर संध्या छापेमारी करने गई पुलिस एवं आरोपी के परिजनों के साथ जमकर विवाद हो, जिसके बाद आरोपी के परिजनों ने आरोपी को भगा दिया और छापेमारी कर दी गई पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया, जिसमें एक पदाधिकारी एवं 2 जवान जख्मी हो गए। बताया जाता है कि आरोपी युवक 4th शादी करने जा रहा था, जो जमालहाता में करने जा रहा था, जो शादी की प्रक्रिया चल रही थी। और इसी क्रम में जब पुलिस ने छापेमारी कर बासुपाली गाँव पहुँची तो गाँव वालों ने परिजनों के साथ मिलकर पथराव कर दिया, जिसमें गश्ती दल के प्रभारी अभिनंदन एवं 2 जवान घायल हो गए हैं। फिलहाल पुलिस वैन वापस लौट आई है और आरोपियों पर कार्रवाई करने की बात कहते हुए FIR दर्ज कर लिया है। हुसैनगंज थाना क्षेत्र के महापुर में एक व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है, परिवार में मातम छाया हुआ है। आपको बता दें कि मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति की हुसैनगंज थाना क्षेत्र के समीप महापुर गांव में मौत हो गई है, जो मोटरसाइकिल से सिवान की तरफ से जा रहा था। वही दूसरी मोटरसाइकिल सिवान की तरफ आ रही थी, जिसके बाद से महापुर में ये घटना घटी है। फिलहाल सिवान सदर अस्पताल में एक घायल का इलाज कराया जा रहा है, वहीं एक की मौत हो गई है। घायल का इलाज समाजसेवी श्रीनिवास यादव सदर अस्पताल में करा रहे हैं। सिवान यंगस्टर सोशल क्लब के द्वारा लगातार कोविड से जुड़े हुए लोगों के बीच दवा का वितरण किया जा रहा है। आपको बता दें कि 7-8 तरह की ये दवाएं मुफ्त में उपलब्ध हैं, जिसके लिए सिवान में 3 सेंटर बनाए गए हैं। पहला सेंटर सिवान के अग्रवाल पेट्रोल पंप पे बना है, वहीं दूसरा सेंटर सिवान के महादेवा स्थित ब्लड डोनर क्लब के संचालक के घर पर बना है और तीसरा सेंटर सिवान के अस्पताल रोड स्थित एक जांच घर जिसका नाम है मॉडर्न जांच घर, वहां बनाया गया है। इन सारे जगहों पर मुफ्त में दवा के प्रिस्क्रिप्शन के साथ दवाएं उपलब्ध हैं। साथ ही साथ एक डॉक्टर को भी यंगस्टर क्लब के द्वारा सामाजिक सेवा के लिए रखा गया है, जिनका नाम है डॉक्टर रोहित कुमार सिंह, जो सिवान के MBBS जनरल सर्जन डॉक्टर हैं। उनसे फ़ोन से सुबह 9-10 सलाह ली जा सकती है और अपनी समस्याओं को बताकर मुफ्त दवाएं इन तीनों जगहों में से कहीं से उपलब्ध कराई जा सकती है। सिवान के हुसैनगंज प्रखंड क्षेत्र के हुसैनगंज चट्टी के समीप 2 माँ और पुत्र हुए घायल, 2 मोटरसाइकिल के आमने सामने की टक्कर में हुई दुर्घटना। आपको बता दें कि आंध्र की तरफ से माँ और पुत्र मोटरसाइकिल से सिवान आ रहे थे। इसी क्रम में हुसैनगंज चट्टी के पास एक अनियंत्रित मोटरसाइकिल ने आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें दोनों लोग घायल हो गए हैं। फिलहाल दोनों का इलाज सिवान सदर अस्पताल में चल रहा है, जो समाज सेवी श्रीनिवास यादव की देखरेख में चल रहा है। सिवान जिला के हुसैनगंज क्षेत्र में हुसैनगंज चट्टी के समीप में नीरज कुमार और मीना देवी महतारी बेटे सिवान आ रहे थे, जिनका घर है आंदर थाना के चितौर गाँव में, और मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट हो गया, जिसमें दोनों
महतारी और बेटा के गंभीर रूप से चोट है जिसका सदर अस्पताल में प्रथम उपचार चल रहा है। निश्चित तौर पर आज हेमलेट की आवश्यकता महसूस हो रही है उन लोगों को। अगर हेमलेट पहन के अगर आते चलाते रहते गाड़ी तो आज उतना उनका सर में चोट नहीं आता और वो बहुत बच सकते थे। तो निश्चित तौर पर हम तमाम साथी से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि जो भी व्यक्ति मोटरसाइकिल चलाते हैं वो हेमलेट लगा के चलाए, सेफ्टी में चलाए, ताकि अनहोनी घटना घट जाता है तब इंसान को याद पता है कि ये सेफ्टी होना चाहिए। आज स्थिति सिवान सदर अस्पताल में देखने को मिल रहा है कि जो महतारी और बेटा आ रहे थे अब सिवान किसी काम के लिए और उसे मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट हो गया जिससे गंभीर चोट हो गया, जिसको प्रथम उपचार करा के बाहर हम लोग भिजवाने का प्रयास कर रहे हैं।